इची एंड हैरम। यह एनिमे का ऐसा एक जॉनरा है जहाँ पर ज़्यादातर लोग बस बैठे रहते हैं, उनको बस वो चीज़ें देखनी रहती है। दे डोंट इवन फकिंग केयर अबाउट द स्टोरी। और मैं उनमें से एक बंदा हूँ जो ऐसा पहले किया करता था। जब मैंने मांगा और एनिमे पढ़ना शुरू करा था आज से 3 साल पहले, तब मैं भी इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मैं इन चीज़ों से बोर हो गया। मैं चाहता था एक अच्छी स्टोरी लाइन वाला एनिमे, जैसे कि जुजुत्सु काइज़न, माय हीरो एकेडमिया, वन पंच मैन। पर मुझे कई एनिमे में ऐसा लगा कि इची ने उस स्टोरी को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। देखो, इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा वो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं उन इची एंड हैरम। सीधे सिंपल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह इची और हैरम घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं इची और हैरम को हेट करता हूँ। आई क्वाइट लव दिस जेनरा। हर एनिमे में उसकी कोई जरूरत नहीं होती। जब एनिमे बहुत ज्यादा सीरियस होता है तो उसको सीरियस ही रहने देना अच्छा होता है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन। आई कांट इवन इमेजिन इची एंड हैरम गोइंग इनटू अटैक ऑन टाइटन। वेल, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ एनिमेज की बात अलग होती है। कुछ एनिमे सिर्फ उन दो टॉपिक्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे तो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या इची एंड हैरम एक बुरा जॉनर है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, लेकिन बार बार वही चीज़ें रिपीटेड हो जाने से वो चीज़ों में बोर होने लग जाती है। ऐसे कई सारे एनिमेज हैं जिनको इची और हैरम ने बिगाड़ कर रख दिया। उनकी स्टोरी अपने आप में ही काफ़ी स्पेशल थी और एकदम न्यू कॉन्सेप्ट था, लेकिन इची और हैरम की वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार ये जम नहीं रहा इस चीज़ में। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को इची और हैरम इस वजह से पसंद नहीं आ रहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन गई हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बता दूं कि मैं आज भी सिंगल हूँ और मेरा हाथ जगन्नाथ, ओके? या मुझे बोलते हुए तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन हूँ तो हूँ। जरूरी नहीं है कि ये चीज सिर्फ एनिमे पे अप्लाई होती है। मैं बहुत सारी मांगास पढ़ी है, जैसे कि इसेकाई मांगा, उनमें स्पेशली ये दो चीज मेंशन जरूर होती है, हैरम एंड इची। कुछ इसेकाई मांगास इतनी स्पेशल थी कि अगर उसके पास हैरम और इची नहीं भी होता तो भी वो टॉप क्लास होती। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो वो था ओवरलॉर्ड। उसमें जो इची और हैरम था वो एक एक्सेप्टेबल था, क्योंकि उसमें उतना कोई ज़्यादा नहीं था। लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो है हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। अब इस जगह पे कुछ ज़्यादा ही इची और हैरम था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। स्टोरी अपने आप में ही अच्छी थी, लेकिन अगर इची और हैरम ना होता तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। अब कुछ लोग होंगे जो मुझे बोलेंगे तुझे इसी और हैरम पसंद नहीं है, किस टाइप का लौंडा है तू? मैं तुम लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जाकर के तुम डायरेक्टली हैंटाई पढ़ सकते हो या हैंटाई देख सकते हो, अगर तुम लोगों को इची और हैरम का इतना ही ज़्यादा शौक है तो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं हैंटाई और हैंटाई मांगा से नफरत करता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं उसको दिन में 3 बार पढ़ता हूँ और रात में सोने से पहले एनिमे जरूर देखता हूँ। बट अगर कोई एनिमे जिसकी स्टोरी अपने आप में ही बहुत अच्छी है, वहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है किसी भी इची और हैरम की। लेकिन कुछ एनिमे अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एनिमे में इची और हैरम होना ही अच्छा होता है, लेकिन कुछ एनिमे बिल्कुल अलग होते हैं। वो बेस्ड होते हैं सिर्फ इसी दो कॉन्सेप्ट पे और वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए बने हुए होते हैं। उन एनिमेज और मांगाज में उतनी स्टोरी पर फोकस नहीं किया जाता है जितने कि इची और हैरम में। सो यही मेरे वर्ड थे इची और हैरम को लेकर के। आई होप कई लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे इस वीडियो को लेकर के, कि मैं तुम लोग सोच रहे होगे इस वीडियो को क्लिक करने से पहले कि मैं किसी हैंटाई का रिव्यू देने वाला हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बातें बोलना चाहता था इन दो जॉनरास को लेकर के। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हर जगह इची और हैरम की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इची और हैरम के लिए एनिमे अलग से ही बने होते हैं, जो कि स्टोरी पे उतना फोकस नहीं करते जितने कि वो इची और हैरम के लिए करते हैं। वो दूसरे लोग यानी सिंगल लोगों को सेटिस्फैक्शन देने के लिए होता है। सो आई होप तुम लोगों को इस वीडियो को देख करके मजा आएगा। मैं सिर्फ अपने थॉट्स बोलना चाहता था इन दो जॉनर्स के बारे में और मैंने वो बोल दिए। मैं तुम्हारे थॉट्स भी जानना चाहूँगा इन द कमेंट सेक्शन, तो मेक श्योर मुझे ज़रूर बताओ। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।